अरे कमीने जल्दी बोल ना लायक। फिर क्या करा तूने, पकड़ लिया? मैंने पकड़ दिया उसको। अब मारिस देने का है इसको, मैं साथ ही जाने वाला हूँ। तोबा कर, तोबा कर, दोनों हाथ मुंह पे मार के ना, दोनों हाथ काट दूंगा तेरे। मेरे को इसको ले जाने का, मेरे को इसको ले जाने का, छोड़ मेरे को इसको ले जाने का, छोड़ इसको ले जाने का, मेरे को छोड़, छोड़ मेरे को इसको ले जाने का, छोड़ मेरे को इसको ले जाने का, नहीं रखने का इसको यहाँ, कब ले जाने का है? ले जाने वाला है मैं इसको। कब? इसको एक दो दिन में मैं ले जाने वाला हूँ। पूनम में मैं ले जाने वाला हूँ इसको। तो देखा कितनी ताकत है मेरे पास, तो तू आया कहाँ से था? तू शमशान से, कब्रिस्तान से? कहाँ ले जाने का? शमशान कब्रिस्तान? इसको मैं मेरे साथ ले जाने वाला हूँ। कहाँ पे? कब्रिस्तान को, शमशान को? इसको मैं मेरे साथ ले जा रहा। कहाँ से आया था? बोलता नहीं मैं कहाँ से आया था। जला देता, मैं पूरा जला देता फिर। चल जला उसको। मैं देखो बोलता नहीं मैं कहाँ से आया। बोलता नहीं, बोलता आग लगा देगा। क्या तुम बोलता कि नहीं बोलता? अब बोलता नहीं बोलता, नहीं बोलता। मैं देखो मैं इसको ले जा रहा, इसको ले जा रहा। इसको ले जाने से पहले तूने हुकुम इजाजत लिया मेरी? हाँ, बादशाह को बादशाह हूँ, फिर कैसे ले जा सकता तू मेरी इजाजत के बगैर इंसान को? हाँ, इसको ले जाने वाला हूँ, ये पसंद नहीं मेरे को। नहीं नहीं, तेरे को लाके छोड़े आला तो खुद ब खुद नहीं आया तू। झूठ बोलता, झूठ बोलता, नहीं ले जा सकता, समझ गया? चलो इसको बन के डालो, इसको जंजीरें डालो इसको। कहाँ से आया था? नहीं बोलता मैं तो, कहाँ से आया था मैं? देखो नहीं छोड़ता नहीं मैं, बोलना तो तेरे बाप को पड़ता। देखो मैं नहीं बोलता, देखो मैं कहाँ से आया, मैं इसको ले जाता खाली। जल्दी बोलना तो मैं जला देता दोनों हाथ। इंसानों को मारा, इसको ले जाने आया मैं खाली। नहीं ले जान देंगे ना तेरे को, कैसा ले जान देंगे? टुकड़े करा देंगे तेरे बाप का। रात चल रहा है तेरा भाई से, मैं इसको ले जाऊंगा।
अच्छा तू शमशान से कब्रिस्तान से किधर से आया? नहीं बोलता। इन्हें नहीं बोलेगा तो इसके अंदर आग लगाओ। काट के पूरा हुआ बाहर टांग बाहर टांग। बोलेगा नहीं बोलेगा? यहाँ सब यहाँ किसकी बाल में गलती बढ़े यहाँ बोलना पड़ता। अच्छा अच्छा कर ये तुम्हारे साथ मैं रास्ते पे का जो मैं रास्ते पे का हाँ मैं रास्ते पे का हूँ। कस क्या पकड़ा उसकी? मैं रास्ते पे का हूँ। छोकरी को कस क्या पकड़ा? हाँ मैं रास्ते पे का हूँ। और कहाँ से मिली तुझे? कहाँ से मिली? ये नहीं बोलता। ऐसा ऐसा बोलता कि नहीं बोलता? क्या पसंद आया ऐसा? खा के जा रही थी, नहा के जा रही थी, बाल खुले थे, क्या था ऐसा मामला? जल्दी बोल, टाइम नहीं मेरे पास, पूरा जला दूंगा। अरे कमीने जल्दी बोल ना। लायक ऐसा जा रही थी ऐसा जा रही थी। फिर क्या करा तूने? पकड़ लिया? मैंने पकड़ दिया उसको। अब मारिस देने का है इसको? मैं साथ ही जाने वाला हूँ। तोबा कर, दोनों हाथ मुंह पे मार के ना, दोनों हाथ काट दूंगा तेरे। इसको ले जान दे साथ में मेरे। नहीं ले जान देते, कैसे ले जान देंगे? कितने इंसानों को मारा अभी तक? अभी तक कितने इंसानों को मारा? सही से बोला। अरे झूठ बोल रहा हरामी, नस्ली हराम, खिला के छोड़ आला है नरते को। हाँ झगड़ो उसको तेज के साथ में। झूठ बोलता कमीने, मेरे सामने झूठ बोलता। जादू से आला तो खिला के छोड़ आला है। हाँ अभी नहीं निकलने का, अभी इजाजत नहीं दिया मैं बाहर निकलने की। झगड़ने के बाद बाहर निकालूंगा मैं। कम बखत, अभी उल्टी का हुक्म दिया ने मैं। हाँ चल बता, ससुराल के तरफ नाम नहीं पूछा मैं? कौन करा उसका नाम अभी नहीं पूछा मैं, आगे पूछूंगा नाम। अभी मैं नाम नहीं पूछा, आगे पूछूंगा। हाँ कौन करा? वो औरत थी, आदमी था, खाली इतना बोला, औरत थी आदमी था। निकलने का हुक्म दिया ने मैं उल्टी अभी बाहर। औरत थी आदमी था? औरत थी मायके की, ससुराल की, खाली इतना बोल, मायके की, ससुराल की। उधर किस थी वो? सास के उधर के। अच्छा ठीक है, चलो इसको क्या करो, नाला जकड़ के लो इसको, जलाने की तैयारी करो। उतार के सारी तंत्र मंत्र की सब खत्म कराओ उसकी। वो आदिल क्यों नहीं आ रहा अंदर? ओढ़ नहीं डालो ना सीधा सिर पे उस लेके जैसा ठहरने को आए क्या तुम? क्या काम कीजिए तुम? पन्नी मुकन लगाओ, गिलास में पानी लेके दम करा के पिलाओ और जल्दी उसको दो चार गिलास पानी। और डाल के पिलाओ इसमें पानी, पिला रहे जल्दी पहले। बोलो पानी पिला, पानी पिला, पिला पिला। एक सांस में पिला गट करके। खोल मुंह, खोलो, बात मत कर उसको। सीधा निंगला गट करके। चलो लो उसके पेट में एक दवा खींचो बाहर, चल रहे बाहर निकाल। दवा बाहर, अब्बा का रात चल रहा है इतने सुकून से अंदर बैठने को। उसकी बुद्धत बनी आली है। अच्छा उसकी बुद्धत बनी आली है।
क्या दे रहा था यहाँ तो बाहर से पकड़ा बोल रहा था, देखा ना यहाँ किसकी दाल निकलने देता मैं, क्योंकि मुझे सब मालूम रहता कम बाहर उसकी मुद्दत बनी आली है, उसको तो जाना आज पड़ेगा रे। तुझे जला देता ना मैं उससे पहले। चल डालो इसको जंजीरा और बन के खत्म करने की तैयारी करो, इसको सब मार मार के भस्म कराओ। वो तो मदद लिखियां तुझे वक्त में रोयल मदद खाओ दे आओ खाओ दे आओ जकड़ लो उसके पेट में से भी जकड़ो, अंदर से आग लगाओ। जकड़ो उसके पेट में से आग लगा के लो खींच के बाहर, और ले रहे पानी पिलाओ उसको दम करा के। ये पानी पिलाओ चल रहे बाहर निकाल। हाँ ये कैमरा पकड़ मैं उधर घूम। ये जो मसला है तो ये पहले बयान कर रहा था कहीं से पकड़ा, ये खुद ब खुद पकड़े वाला नहीं है, लाकर मुद्दत बनकर छोड़े बाद में बयान कर रहा ना उन्हें। वो कैसे रहता है यहाँ पर तो सब बातें उनको बयान करना ही पड़ता शैतानों को, क्योंकि हमें को ऑलरेडी पहले से सब मालूम होता हूँ क्या कहाँ से आए क्या दास्तान है। वो फिर क्या उन्होंने छोटे मोटे इलाज वाले के लिए छोटे मोटे कुल्लू बनाते, यहाँ दाल नहीं गलती उनकी। बयान कर दिया उन्होंने कि उसके ससुराल के तरफ से कोई लोग है, कोई औरत एक्स वाई जेड, मैं अभी नाम नहीं पूछाया, वो आगे पूछूंगा सब तफसील में कौन डाला क्यों डाला कहाँ से और क्या क्या माजरा था, बाकी उसको किस चीज के अंदर खिलाकर मुद्दत बन के अंदर छोड़ दिए उस बला को उठा के लाके शेख को, और वो उसको मारने वाला है। और दूसरी बात शयातीन जो रहते उनको भी तो बहुत सारे अजीब और गरीब ये दास्ताना चलते, लोग एक दूसरे पे जादू टोने कर रहे हैं, गलत बातें हैं, ऐसा मत करो लोगों, तुम एक दूसरे पे ऐसे करेंगे तुम तो जहन्नुम के अंदर मर जा रहे। और मैं क्या बयान करूँ बार बार, मैं तुमको यही बोलता कि इबादत की रस्सी को मजबूती से थाम के रहना। वो खिला दिए वार वार चल गया, मगर वार ने चलने के बाद जो शय छोड़ी थी उस शय ने उसको कोई रस्ते पे से पिकअप किया, वहां से उस पर हावी होगा, वो हावी होने के बाद में घर के अंदर क्या कर रहा था रे, वो बीमार था, बीमार और क्या हो रहा था, छाती में दुख रहा, पेट में दुख रहा था, पेट में दुख रहा था, क्या और सिर में सिर में, हाँ मुंगिया सिर में आ रहे थे, ये सब ऐसे तकलीफें हो रहे थे। बट यहाँ आने के बाद सामने हाजिर हुआ, और हाजिर होने के बाद में उसने बयान किया कि क्या दास्तान है, मैंने तुम्हारा पूछा दिया, बट मेरे हाथ में जितना था मुझ तक किया, इसके आगे उसको अमल के दौरान में जकड़ के अल्लाह के फजल करम से जला के सब राख करना पड़ेगा। और दूसरी बात मोमिन बंदो लोगों सब में मैं तुम लोगों को बार बार यही बोलता कि इबादत की रस्सी को मजबूती से थामना और ज्यादा से ज्यादा इबादत करना, तो ये चीजों से तुम बच जाते, चल जाने के बाद इबादत तुमको नहीं करने देते, बहुत रुकावट डालते इबादत करने के रस्ते में। इसलिए बहुत सारे बातें मैं क्या बयान करूँ मेरी जबानी, बस मैं इतना ही कहूँगा कि आगे की जो भी तफसील है वो आगे पूछूंगा, अभी तो मेरी तबीयत नासाज है, मगर फिर भी मैं देख रहा हूँ, फिर भी बैठ के पेशेंट चले, और मुझे भी दौरे पे निकलना भी था, फिर भी उसके अलावा भी देख लिया मैं इमरजेंसी के अंदर क्या मामला, और सामने सब पूछा दिया। बाकी उसको चले जा बोले तो उन्हें जाता नहीं, उसको उसके तरीके से जकड़ के सब भस्म कराना पड़ेगा, जो भी दास्तान रखी उस तरीके से हमला करो, अल्लाह के हुक्म से सब फैज मिलता। बाकी तुम अपने दिल से और अपनी मर्जी से लोगों को बोलेंगे कि हम इलाज करेंगे तो वैसा नहीं होता, वैसे तरीके नहीं होते, हर चीज़ को उसके हर चीज़ को उसके दायरे के अंदर मुकर्रर कर दिया रहा, उसके ऊपर एक उसका माहरीन को बिठा दिया रहा, उस हिसाब से तुमको वो करना पड़ेगा अमल। बाद में उसको इलाज के दौरान में खुद ब खुद उल्टियाँ होंगी, खुद ब खुद उमेटिंग होंगी, जुलाब लगेंगे, ये सब दवा ववा निकल के चले जाएंगी, आगे नाम भी पूछा दूंगा इंशाल्लाह। में सब लोग एक दूसरे पे जादू टोना कर रहे होंगे ये समझ के कर रहे होंगे कि उनका नाम पता नहीं चलेगा, मगर यहाँ आने के बाद तो नाम निकलना ही निकलना है, क्योंकि तुम आँख बिल्ली दूध पीरी आँख बंद करके समझ कोई नहीं देख रहा हूँ, यहाँ आने के बाद पूरा राज खोल दूंगा, बन मुट्ठी लाख की खुल गई तो खाक की, और यहाँ आने के बाद तो खोल के बताने वाला हूँ तुम्हारा नाम, तुम्हारे ही जबानी कौन डाला था क्या डाला, तुम्हारा ही शैतान जो तुम्हारा गुलाम है वही आगे मेरे सामने बयान करेगा। बहुत सारे बातें मैं क्या बोल अल्लाह का सुन ज्यादा करने की बातें मतलब फरमाए, लोगों इबादत करो ज्यादा से ज्यादा, अल्लाह उसके रसूल की रस्सी को मजबूत, चलो रोक दो।